हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी आदर्श पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़े खेद की बात है कि आज आदर्श सोसाइटी की डूबती नैया के खिवैया जो इस वक्त हमारे सामने उभर कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात नरेंद्र जोशी एडवोकेट साहब की कर रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियो पर भी उनके ऊपर कुछ गलत कमेंट करते नजर आ रहे हैं दोस्तों, जिनकी संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से उन ऐसे लोगों के लिए जो गलत मानसिकता रखते हैं, उन लोगों के लिए बनाई जा रही है दोस्तों। और हमारा उनसे साफ तौर से ये कहना है कि अगर वह नरेंद्र जोशी को, जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट साहब को बुरा कहते हैं तो दोस्तों वो हम में से नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको कोई न्यूज़ या खबर सुनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आपको ये बताने के लिए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नरेंद्र जोशी एडवोकेट साहब एक ऐसे वक्त में निवेशकों के हक के लिए सरकार से लड़ रहे हैं जो कि एक बड़ा कठिन दौर है। और ऐसे दौर में सोसाइटियों और चिटफंड कंपनियों का पैसा हड़पने के लिए सरकारी षड्यंत्र की शिकार ये कंपनियां और सोसाइटियां लगभग 3,000 से ज़्यादा हैं। उनमें से एक कंपनी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख होता है जब कुछ ऐसे कमेंट हमारे सामने आते हैं जो एक ऐसे नेक इंसान को बुरा कहते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम आपकी लड़ाई के लिए सबसे आगे और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान इस वक्त नज़र जो आ रहे हैं दोस्तों, वे केवल केवल नरेंद्र जोशी जी हैं। उनको गलत ठहराना या गलत कहना दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त राजतंत्र में जो लूट मचाई जा रही है, प्रजातंत्र का पैसा, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, हड़पने का षड्यंत्र जो सरकार रच रही है, उससे बचाने के लिए जो प्रयास आज युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं, जिसके परिणाम बहुत सार्थक हमें नज़र आ रहे हैं और आपको भी नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, नरेंद्र जोशी एक ऐसे वकील हैं जो आदर्श सोसाइटी की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे कठिन समय में। दोस्तों, ऐसा कठिन समय जो मैं आपको बता चुका हूँ, और वह तन मन धन से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी उनका साथ दें। लेकिन कुछ गलत सोच के व्यक्ति, जिनकी संख्या ना के बराबर है, वह नरेंद्र जोशी जी को कुछ गलत कमेंट करते हैं जो कि यह गलत बात है। ऐसे माननीय इंसान को दोस्तों गलत कहना बहुत गलत बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक अंधे कुएं में बहुत सारे केकड़े रहते थे और वो अंधा कुआ था। उससे बाहर आने के लिए जो भी केकड़ा प्रयास करता था, उसकी वहां पर टांग घसीट लिया करते थे नीचे वाले केकड़े, तो वो वहीं पर गिर जाता था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आदर्श सोसाइटी के निवेशकों में देखने को मिल रहा है। हमारा कहना ऐसे व्यक्तियों से है कि वह इस वक्त की नज़ाकत को समझें, जिस कठिन दौर से इस वक्त सोसाइटी गुजर रही है आपकी, उसको समझें कि जो इंसान आपके लिए लाइफ टाइम समर्पित है, ऐसे इंसान को ऊपर उठाने की बजाय और आप नीचे घसीटने वाले काम कर रहे हैं और गलत टिप्पणियां कसते हैं, उनसे हमारा कहना है भाई, ऐसे गलत काम ना करें। जो भी कहना है वो हमें कहें, हमारे अंदर हजार कमियां हैं, हम जानते हैं अपनी कमियों को। हमें बुरा कहें, हमें गलत कमेंट करें, लेकिन नरेंद्र जोशी जैसे कर्मठ साथी को गलत कहना दोस्तों बहुत दुख और दुखी मन करता है हमारा, हमें बहुत दुख होता है। साथ में हम ये भी कहेंगे ऐसे इंसान को, आप सपोर्ट करें और आपके मैटर को जल्दी सकारात्मक परिणाम तक पहुंचाने वाले ये ऐसे इंसान है दोस्तों, जो 100% सही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उनके द्वारा जो जनहित याचिका सरकार में भेजी गई थी, वह स्वीकार कर ली गई है।
और उस पर सुनवाई भी की जा रही है। ऐसा चिटफंड इतिहास में दोस्तों पहली बार हुआ है, सोसाइटी के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम देख रहे हैं कि अदर कंपनियों के कार्यकर्ता और संगठन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, 5 साल से लगातार अपने धरने प्रदर्शन न जाने क्या क्या कर कर बैठ गए, लेकिन उनका परिणाम नकारात्मक ही निकला। लेकिन दोस्तों आप खुश नसीब हैं जो आपको ऐसा मसीहा मिला जो आपकी डूबती नैया को पार कराने में लगा है। दोस्तों ऐसे लोग मसीहा से कम नहीं होते हैं। इंसान जब कुछ ऐसे काम करता है तो दोस्तों वो इंसान इंसानियत से भी उठकर अवतार की तरफ बढ़ता है, और अवतारी ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। दोस्तों ऐसा ही कठिन परिश्रम हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते नजर आ रहे हैं, नरेंद्र जोशी जी, सॉरी, नरेंद्र जोशी जी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों याद रखना, आपको अगर पैसा दिला सकते हैं तो सिर्फ नरेंद्र जोशी जी के प्रयास ही दिला सकते हैं, नहीं तो आपको पैसा लगभग लगभग डूब चुका है। दोस्तों स्पष्ट तौर से मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसे मिलने की अगर आप जरा भी थोड़ी बहुत भी तमन्ना रखते हैं या आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिले, तो दोस्तों ऐसे इंसानों से हमारा कहना है जो गलत कमेंट करते हैं वो ये सब बातें छोड़ दें, और नहीं छोड़ते तो दोस्तों हमारी वीडियो देखना बंद कर दें। हम नहीं चाहते कि वह हमारी वीडियो देखें और हमारे आदरणीय नरेंद्र जोशी जी पर गलत टिप्पणियां कसें। दोस्तों हमें ऐसे व्यूज़र नहीं चाहिए, हमें ऐसे अपने देखने वाले नहीं चाहिए जो उनको गलत कहें। दोस्तों आज अगर आपका पैसा दिला सकते हैं तो केवल केवल नरेंद्र जोशी जी दिला सकते हैं, इस बात को याद रखना। दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी लड़ाई के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। दोस्तों आपसे हमारा यही कहना है, हमारी छोटी सी बात को ज़्यादा समझें और प्रयास यही करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों की बातों में ना आएं, क्योंकि दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो अंधे कुएं में पड़े हुए होते हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते और कोई कोशिश करता है तो उसकी टांग घसीटते हैं। दोस्तों ऐसे काम बिल्कुल ना करें। ये वीडियो आपको इसीलिए बनाई गई थी दोस्तों ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर चल रहा है दोस्तों बहुत गंभीर मैटर है, और ऐसे गंभीर मैटर में आपको सफलता दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बातें ना करें दोस्तों, आपसे हमारा यही कहना है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई निवेशक इस तरह की बात ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट लेकर, तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।